नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नहीं, दो नहीं, तीन देवियां। उफ ये नाज, हाय ये अंदाज, ये जहां से गुजरती है वहां फूल बरसते हैं, और अगर ये अपनी नजर आपकी तरफ करके मुस्कुरा दे तो देखा आपके चेहरे भी कैसे खिल उठे। ये तो आप जानते ही हैं कि सही मानों में अगर देखा जाए तो इस भरी दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में किसी देवी की मोहब्बत की एक कहानी ना हो। उस तरफ देखिए, ये लड़का आंखों में अरमान लिए किसे देख रहा है? कोई देवी है। नैनों ने नैनों से कुछ कहा और बिन बोले ही बात बन गई, मतलब ये कि टुड़क। और देखिए, यहां भी टुड़क से किसी देवी से बात बनने की उम्मीद है। देवी जी सुनिए, यहां तो टुड़क की बजाय धड़ाम हो गया। भाई मोहब्बत की कहानी कुछ ऐसी ही होती है, कभी बात बनती है, कभी बनने से पहले ही बिगड़ जाती है। पर आइए अब आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएं जिसकी बात देवियों के सिलसिले में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बनने वाली है, यानी टुड़क टुड़क टुड़क। और हर टुड़क के साथ एक उलझन खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये भोला बेचारा कभी किसी को ना नहीं कह पाता। आप इसे जानते हैं ना? आप मेरे आगे आगे क्यों चल रही? आप समझते हैं मैं अकेली हूँ?
आप समझती हैं मैं आपके साथ हूँ? आप लोफर हैं, आवारा हैं। एक तो लड़की का पीछा करते हैं और दूसरा और ये कि आपको शर्म आनी चाहिए कि सड़क पर खड़ी होकर बिना वजह एक शरीफ इंसान पर बेकार के इल्जाम लगा रही। अरे पन बात क्या है, तुम लोग काय को झगड़ा करता है? अरे एक हैंडसम बॉय को एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ झगड़ा करना नहीं चाहिए, वो भी अपने घर के सामने। स्वीट होम। जी हाँ, मैं यही रहता हूँ। नंदा, मिस्टर देव कल ही आया है हमारे स्वीट होम में रहने के लिए। पहले मुझे जाने दीजिए वरना आप फिर कहेंगी कि मैं लगातार आपका पीछा कर रहा। देव बहुत अच्छा छोकरा है और नंदा भी अच्छी छोकरी है, गुड गर्ल। एक कप चाय मिलेगी कमरे में मिसेस पिंटो, गर्मा गर्म। जी हाँ, ये है देव की पहली देवी। कहिए कुछ बात बनती नजर आ रही है ना? मेरे तसव्वुरात की रानी, हाय। ऐसे ना देखो कि हमें नशा हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ काम करती हैं? बॉयज। फिर तो आप मेरी बिल्कुल ही पड़ोसी हैं, इसलिए मैं मेरी म्यूजिकल स्टोर्स में काम करता हूँ, बिल्कुल आपके बगल में। यही बस पकड़ना है आपको? जी। आपको? जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जगह नहीं, जगह नहीं साहब, जगह नहीं। अरे भाई हम दोनों साथ हैं, एक और आदमी से क्या साहब? जगह नहीं, बिल्कुल पार्टनर। शाम को भी ऐसे ही होगा, पार्क स्ट्रीट बस स्टॉप 5 बजे। चपरासी, टाइप दिस एडवांस मिस। हेलो सर। देव बाबू आए? जी नहीं सर। पहले दिन इतनी देर? 9:30 बज गए, आते इतला करो। यस सर। बॉस ने पूछा तो नहीं मेरे बारे में? जी, गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मैं मुझे तुम्हारे चाय पानी के लिए, और जब पूछे तो कहना कि मैं 9 बजे से इस कोने में बैठा ये पियानो ठीक कर रहा था और तुम देख नहीं पाए। चपरासी। जी सर। देव बाबू आए? जी हाँ सर, वो आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि वो 9 बजे से आके बैठे और वो तबला नहीं सारंगी नहीं सर, पियानो पियानो ठीक कर रहे हैं। नहायत मेहनती, लगन के पक्के और वक्त के पाबंद हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्या कर रहे हैं आप? जी ये पियानो मुरम्मत कर रहा हूँ, दुरुस्त कर रहा हूँ। क्या जी? मुरम्मत, दुरुस्त। पहले अपनी मुरम्मत कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए देव बाबू जी, क्योंकि इस पियानो को मुरम्मत की जरूरत नहीं जी। क्यों? ये क्योंकि ये दुरुस्त है, नया है और बिका हुआ है। इसके खरीदार का नाम वहाँ रजिस्टर में लिखा है, उनका नाम है शायद राधा रानी, इस शहर की मशहूर देवी है। जाइए रजिस्टर में उनका नाम चेक कीजिए और इस पर उनके नाम का लेबल लगाइए जी। और सुनिए, याद रहे कि इस दफ्तर में आने का वक्त पूरे 9 बजे, और ये भी याद रहे कि ये जो घड़ियाल आप देख रहे हैं ये हमारे बाप दादा के दिया हुआ है जी।
और हमेशा सही वक्त बताता है जी। और यह भी याद रहे कि इसका वक्त मेरी जेब की घड़ी के वक्त से मिलता है जी। और यह घड़ी मैं हमेशा देखता रहता हूँ जी। और अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो आपको ऐसी घड़ी तोहफे के तौर पर दी जाएगी जी, जी, ताकि आप आइंदा वक्त पर ना आने की गलती ना करें। जाइए काम कीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास लता मंगेशकर के रिकॉर्ड है? जी हाँ, आप इस कैबिन में तशरीफ रखिए, मैं अभी पहुंचा देता हूँ। मेरी म्यूजिकल स्टोर, मेरी म्यूजिकल स्टोर, थैंक यू मिस नंदा। ये सर, वाह वाह, लाजवाब, एक्सेलेंट, बेमिसाल, एक दफा फिर कहिए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वाह वाह, क्या गीत है, क्या बोल है, क्या अदायगी है, मुझे तुम्हारे जैसे काबिल इंसान की जरूरत थी। तुम सिर्फ एक अच्छे अदाकार और संगीतकार ही नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही अच्छे शायर भी हो। और जब शायर खुद ही संगीतकार होता है और उसमें तुर्रा ये कि मेरी म्यूजिकल स्टोर में काम करता है, तो फिर समझ लो कि तुम और हम मिलकर दोनों कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी क्या तनख्वाह मुकर्रर की? ये 300 रुपया महावार। 350 हो गई। तुमने कहा था कि तुमने ऐसे अच्छे गीत और भी लिखे हुए हैं। जी हाँ है। कहां है वो? जी मेरे पास है, जहां मैं रहता हूं। यहां लेके आओ। मैं खुद लेखक नहीं हूँ, मगर एक अच्छे लेखक की ऐसे ही कदर करता हूँ जैसे कि अपने साजों की। मेरे साजों में सिर्फ मस्ती संगीत की नहीं है, बल्कि पैसे की झनकार भी है। मेरे एक पब्लिशर दोस्त है, मैं तुम्हारी कविताओं की किताब उसे पब्लिश करवाऊंगा। तुम्हारा नाम होगा, मेरा दाम होगा, उधर दुनिया भड़केगी, इधर पैसा घड़केगा, खना कन खना कन खना कन। जिस खनखनाहट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूं? सिर्फ छोटी सी? अरे भाई कोई बड़ी सी रिक्वेस्ट करो। जी आपने कहा था कि दफ्तर का टाइम 9 बजे इन और 5 बजे आउट है, अगर आज सिर्फ आप 5 मिनट पहले आउट हो जाने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सिर्फ 5 मिनट? अरे 15 मिनट, 50 मिनट पहले आउट हो सकते हो। चपड़ासी जी, अगर देव बाबू आज सिर्फ 5 मिनट पहले जाना चाहें तो शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर मिस्टर देव, अटेंड प्लीज। मेरा मतलब देव साहब, जाइए जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल बॉय। सोचा 5 बजने को है, कहीं आपकी बस तो निकल जाए, इसलिए टैक्सी लेने का। Hey मिस्टर, आपका नंबर लास्ट में है। अगली बस पकड़ेंगे, इतने में वहां कॉफी पीते हैं, सामने वाले रेस्टोरेंट में नया खुला है। लोग क्या सोचेंगे? सोचने दीजिए लोगों को। चलिए वहां बैठते हैं, उसको देने। बेटा क्या पीजिएगा, काली या सफेद? जो आप पीजिए। दो कॉफी। तो खूब काम होता ना दिन भर? उंगलियां चलाती रही दिन भर टेम्परेचर पर, मशीन की तरह टप 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 टप। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, देखूं तो ये उंगलियां क्यों देखूं तो कैसे लगते हैं ये टाइप करते करते कोमल कोमल उंगलियां? देखिए कहीं हाथ पकड़ने का बहाना ही तो नहीं ढूंढ रहे? और अगर कहूं हाँ तो? है ना, एक मेहनत कश देहाती लड़की ही होंगी। देहाती? जी हाँ, आप एक गांव की रहने वाली लड़की से बात कर रहे हैं। मेरी दादी अभी तक वही है, माता पिता गुजर चुके हैं। मेरे माता पिता भी गुजर चुके, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई यही शहर में है। तो फिर आप देहाती काहे की होंगी? बल्कि यूं कहिए कि आप बहुत पढ़ी लिखी, काम की पाबंद, वक्त की पाबंद, एक ऐसी सेक्रेटरी टाइप की देवी हैं जो ठीक 9 बजे दफ्तर जाती हैं और बाकायदा 5 बजे लौट आती हैं, वो भी हमेशा अकेले। और अगर कोई पीछा करे तो रुक कर आंखें दिखा कर थप्पड़ मारने को तैयार हो जाती हैं। वैसे मुझे गांव शहर से ज्यादा पसंद है, इसलिए कि वहां लड़के इस तरह पीछा नहीं करते। वहां इतने लड़के होते ही नहीं कि पीछा करें। लेकिन मजाक रहा एक तरह, बहुत याद आती है मुझे अपनी दादी कभी कभी, और वो नहर के किनारे हमारा छोटा सा मट्टी का घर, उसके पास एक गहरा सा कुआं, रेती के छोटे छोटे पहाड़ और लहलाते हुए खेत। भुट्टा कभी खाया है आपने? मकई, भुट्टा? देखिए नाम सुनते पानी आ गया।
मैं अपनी दादी को खत लिखूंगी, टुकड़ा भर के भेज देगी आपके लिए। नहीं, मजा तो जब है कि खुद तोड़े, खुद भूने और फिर खाए। चलिए चलेंगे एक रोज किसी गाँव जहाँ भुट्टे के खेत हो, किसी छुट्टी के रोज चलिएगा मेरे साथ। चलूंगी। तुमने कौन है, आप कहाँ जा रही हैं, क्या नाम है आपका? प्यार की ये बरखा देव की दूसरी देवी है। तुमने आवाज दी? जी, देखिए आपका कुछ गिर गया है, शायद कोई पुर्जा है गाड़ी का। कहाँ है? वहां गाड़ी के पीछे। प्लीज सर आप उठा दीजिए। आप खुद ही उतर के उठा लीजिए, हम पौधे सीख रहे हैं। बस देवी जी, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हमारा गुंडे क्या मतलब है शरारत से? वही जो आपके हिस्से है, जरा मुलाजा फरमाइए मेरे कप। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता ये गड्ढा? इत्तेफाक से गाड़ी का पहिया इस पर पड़ गया तो मैं क्या करती? यही समझ लीजिए कि पाइप सामने पड़ा था, मेरे हाथ में आ गया, इत्तेफाक से आप भीग गई तो मैं क्या करती? चुप बदमाश, अभी पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ और पकड़वाती हूँ तुम्हें। पुलिस स्टेशन इस तरफ है और टेलीफोन करना हो तो उस तरफ। शट अप, भागो यहाँ से। गाड़ी नहीं चलेगी, हमारा हुक्म है। मदद के लिए हाथ जोड़ के दरखास्त कीजिए। आप में से कोई इंजन का काम जानते हैं? हम ही जानी ना, हम तो कभी गाड़ी में बैठे नहीं मेम साहब। गाड़ी का मज़ क्या जाने। फिल्मी स्टार कल्पना भाई, देखो गाड़ी का नंबर वही है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। वाह वाह, क्या तमाचा मारा था जानी वाकर को, मजा आ गया। क्या जाहिल लोग हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो जरा गाड़ी का बोनट खोल के देखे और ठीक कर दे। मैं तो बच्ची चलाता हूँ मैं अपना, अगर घोड़ा गाड़ी की सैर करना हो तो बंदा हाजिर है। तो रिक्शा खींचता है, अगर गाड़ी घसीटवाना है खिंचवाना हो तो बंदा हाजिर है। और आप लोग जब बड़ी बड़ी आंखें खुलकर ताक रहे हैं, आप क्या करते हैं? गुस्ताखी माफ मेम साहब, इस वक्त सब आपकी एक्ट है। टैक्सी खाली है मेम साहब, कभी टैक्सी में भी सफर कीजिए। एक वो जमाना था जब मुसीबत ज्यादा लड़की के लिए लोग जान पर खेल जाते थे, और एक ये न तमीज है न तहजीब, मेरी परेशानी पर हंस रहे, दूसरों से मेरा मजाक उड़वा रहे। हाँ ये बात हुई, हाजिर हूँ आपकी खिदमत। जरा उधर की सकिए, नजदीक बैठने दीजिए आपने। देखिए कुछ भी नहीं बिगड़ा था सिवाय इसके क्या आप बिगड़ रही थी। अच्छा सुन लिया, अब आप तशरीफ ले जाइए, नीचे उतर जाइए गाड़ी से। लेकिन सोच लीजिए, इंजन दोबारा बिगड़ सकता है, ये मेरा दोस्त है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा भीग चुकी हैं, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मेरा मतलब और किसी बात से नहीं, बेशक इस नाचीज बंदे को शोफर समझ लीजिए। इस खाकसार की इल्तिजा है। इसे पहन लीजिए। शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं मुझे इस गंदे पुराने कोट को पहनने की। आपको सर्दी लग रही है, जुकाम हो जाएगा। साथ में छूत की बीमारी बैठी हो तो सर्दी जुकाम नहीं होगा क्या? देखिए किसी ने आपको याद किया, चिंता है किसी को आपकी? आप चिंता ना कीजिए। गीला बदन, भीगे कपड़े, मेरी आंखें लाज के मारे झुकी जा रही हैं।
गंदा पुराना कोट। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जहाँ भी आप जाना चाहें। मेरे घर का मोड़ पीछे छोड़ आए हो। ओ, शोफर माफी चाहता है, अभी मोड़ लेता है। मैं भाई, मेरी जान, कब तक दिल जलाती रहोगी? देखो कब से तुम्हारे लिए सोने का नेकलेस बना के रखा है, असली सोने का है, बस तुम्हारे हाँ करने की जरूरत है। चीजें निकालो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी संभाले। गोर खाओ। तुम्हारी मेम साहब के कंधों पर मेरा कोट रह गया। क्या कोट? कोट। मेम साहब कहते हैं कि आपको पुराना सा कोट गंदे कपड़ों में डाल दिया गया, और आप तस्वीर ले जाइए। देवदत्त, मेरी म्यूजिकल स्टोर, 64 पार्क स्ट्रीट। आया? मुबारक हो, हजार मुबारक हो। अरे देव, खुशखबरी, हजार खुशखबरी, तुम्हारी कविताएं सिर्फ पसंद ही नहीं की गई बल्कि छाप भी दी गई है। आओ देखो, पब्लिशर ने पहली प्रूफ कॉपियां भेजी है। अरे ये देखो, और तुम्हारा नाम उसे चिट्ठी भी लिखी है। मैंने तुम्हारी बकाया जांच के खोली थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? आपका अधिकार है। मैं भी ये समझता था। लो सुनो क्या कहता। अरे ये सुनो श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी, आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि आपकी कविताएं फौरन छाप दी गई हैं। इतना रस है इनमें कि देर की गुंजाइश नहीं थी। हमें पूरा यकीन है कि पढ़ने वाले पागल हो उठेंगे। अरे देव, देव तुम देव नहीं रहे, तुम कवि देव हो गए हो, तुम महाकवि देव दत्त हो गए हो। सारी दुनिया तुम्हारा सिक्का मानेगी और मेरा सिक्का खरा होगा। लो ये किताबें मुझे दो, मैं इनको अपने बड़े बड़े कस्टमर को भेजूंगा, बतौर तोहफे के भेजूंगा, और अपनी शुभकामनाओं के साथ भेजूंगा। तुम्हारी शुभकामनाओं के साथ भी ब्रह्म लाने की बात नहीं है। जी जी जी, जी नहीं, बल्कि बल्कि आपकी दया है। जी ये कितनी कापियां हैं? पांच। जी जी जी, चार आप रख लीजिए, मेरा मतलब है अपने अपने टॉप क्लाइंट्स के लिए, और एक मेरे पास रहने दीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। अपनी लिखी हुई कविताएं खुद ही पढ़ोगे? जी नहीं, जी नहीं, मैं किसी के लिए मांग रहा हूँ, किसी 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 खास। मैं समझ गया, कौन है वो? कोई चोला, कोई चिंगारी, कोई शबनम है, वही जो चौराहे पर खड़ी कर रही है मेरा इंतजार। जी आपकी मेहरबानी। ये आज से जी भी बिल्कुल बंद, ये जी हुजूरी बिल्कुल खत्म। आज से तुम हमारे दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त। मिलाओ हाथ। जी आपकी इजाजत हो तो, मेरा मतलब आपकी इजाजत के बगैर मैं जरा फोन कर लूं। जरूर जरूर, मगर सिर्फ उसी को जो चौराहे पे खड़ी कर रही है मेरा इंतजार है। जी मैं मिस नंदा से बात कर सकता हूँ? इज इट ऑफिशियल और अनऑफिशियल? जी बहुत जरूरी काम है, खास काम है, प्लीज। मिस नंदा, कॉल फॉर यू। हेलो, पहचाना मैं कौन? जी हाँ, मैं देव हूँ, देव। जी हाँ, आज छुट्टी करो तो तुम लेने आ रहा हूँ। जी हाँ, गांव चलेंगे। जी हाँ, मक्की और भुट्टे के खेत। जी हाँ, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। जी हाँ, और सुनो सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा। जी हाँ, सुन के चकित रह जाओगी। जी हाँ, और एक बात। जी हाँ, सुनो। कौन था ये? आइंदा ऐसा फोन ना आए, दफ्तर के कायदे के खिलाफ है। इसका मतलब है और गीत लिखे जाएंगे, सुंदर सुंदर गीत, और किताबें छपेंगी और खूब बिकेंगे। कन कना कन, कन कना कन कन। देखो तुम्हारे लिए ये किताब लाया हूँ। किताब? मेरी किताब। आपकी? मेरी लिखी हुई नज़मों की पहली किताब। आप लेखक? कभी कभी ये शौक भी पूरा कर लिया करता हूँ मूड आने पर। वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम निकले जनाब। और क्या क्या छुपा रखा है आपने अपने बारे में? पहला सफा पलट के देखिए। नंदा को
देव की ओर से बहुत बहुत। ये जगह खाली क्यों छोड़ती? इसलिए कि फिलहाल कुछ फैसला नहीं कर पाया हूं कि इस जगह पर क्या लिखा जाए। इसलिए कि भूटे भून के आ गए हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।